भरतपुर से बड़ी खबर है, प्रेमी ने प्रेमिका का मर्डर किया है, धारदार हथियार से गला काट दिया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। हत्या के बाद प्रेमी ने खुद के हाथ की नस काटी है। आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया। कामा के मथुरा गेट थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। भरतपुर से ये बड़ी जानकारी, प्रेमी ने प्रेमिका का मर्डर किया और धारदार हथियार से गला काट दिया है। कामा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। मिली है कि एक बच्ची की हत्या की गई है परपरा मोहल्ले भरतपुर में। आरोपी भी घायल है। नाम पता और विस्तृत जानकारी हम अभी लेने के बाद आप अभी विस्तृत जानकारी पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका का मर्डर किया। वहीं आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कामा के मथुरा गेट थाना क्षेत्र का ये मामला है, भरतपुर में ये मामला सामने आया। अजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कामा से। अजय, क्या कुछ जानकारी? अजय सुन पा रहे हैं आप? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये पूरा मामला, और जब ये मामला सामने आया तो माहौल सनसनीखेज बन गया। तमाम जो आसपास के लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए। पुलिस पहुंची। ये पूरा मामला आखिर क्या रहा, इसकी जानकारी तो पुलिस जुटा रही है, लेकिन बताया जा रहा है फौरी तौर पे कि प्रेमी ने प्रेमिका का ये मर्डर किया और अब आरोपी जो है उसको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या पूरा मामला है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, थाना मथुरा गेट इलाके में जो जिला कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के ठीक सामने पटपरा मोहल्ला है, और पटपरा मोहल्ला में एक युवक है, वो किराए पर रहता था। यहाँ पर आज वह एक लड़की को उस कमरे अपने कमरे पर लेकर आया सुबह 10 बजे, और 2 बजे के आसपास उन दोनों के बीच कहा सुनी और उसका गला काट कर हत्या कर दी। और उसके बाद वो जो युवक है उसने अपने हाथों को की नसें भी काट ली थी और खुद बाहर खड़ा होकर, मतलब बाहर आ गया कमरे से और लोग इकट्ठा हो गए वहां पर, तो कहने लगा पुलिस के पास जा रहा हूं। तो लेकिन तभी मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर से जो खून से लथपथ युवक था उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं जिस लड़की की गला काट कर हत्या की उसको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक लड़की संयोग नगर की पूनम शर्मा बताई जा रही है, और लड़का जो है आरोपी है वो कामा इलाके का बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी के लिए।